बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां बदायूं स्टेट हाईवे पर सरेआम कार सवार लुटेरे ने कार सवार महिलाओं से की लूटपाट। आपको बता दें कि बेखौफ नकाबपोश कार सवार 8-10 बदमाशों ने ओवरटेक कर कार रुकवाई और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। भाई की गोद भराई कर लौट रहा था पीड़ित परिवार, परिवार की कई महिलाएं भी कार में थी सवार। नकाबपोश लुटेरे महिलाओं के गले से सोने के हार, सोने की चैन और कई मंगलसूत्र लूट कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार की कार की चाबी छीन कर लुटेरों ने दिया महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम। सरेआम स्टेट हाईवे पर लूट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खुखड़ा भट्टे के पास मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। क्या घटना हुई आज आपके साथ? हम अपने छोटे भाई की गोद भराई करके आ रहे थे बांदा गाँव से। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया, गाड़ी रोक के निकले और ड्राइवर से वो छीन ली चाबी और विंडो खोल के लेडीजों को खींचतान करने लगे। हमारे गले वगैरह में जो भी कुछ पहना हुआ था सब ले गए छीन के। कितने बजे की घटना है? 7:15। कितने लोग थे आप गाड़ी में? 7 लेडीजें थी, मेरे ताऊ जी थे और बच्चे थे। उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 7 तो बच्चे थे हमारे। दूसरी गाड़ी में लूट करने वाली गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 8-10 लोग थे। नकाबपोश थे? कैसे थे? नकाबपोश। क्या क्या चीज छीनी है आपसे? मेरे गले का सेट, चैन और एक कंठी। और क्या? बाकी हमारी भाभियों के मंगलसूत्र थे 4 और 3 चैन। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ दे दी। 8-10-2024 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अहमदगढ़ में महेश शर्मा अपने बेटे बिट्टू भारद्वाज की सगाई की रस्म ग्राम बांधौर थाना डिबाई से करके अपने गांव मानपुर मजरा थाना शिकारपुर जब वापस आ रहे थे तो इनका समस्त परिवार 3 गाड़ियों में था। आगे पीछे चल रही 3 गाड़ियों में बीच वाली गाड़ी को पीछे से आके एक गाड़ी ने ओवरटेक किया। वादियों के बताए अनुसार 3-4 लड़के उसमें से निकले, एक के हाथ में डंडा था। उनके द्वारा इस गाड़ी को रोक कर गाड़ी में बैठी महिलाओं के कुछ जेवर छीने गए। वादी की दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। घटना का शीघ्र अनावरण सुनिश्चित करते हुए अग्रविधिक कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।